चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोता द्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत श्रीवाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्रीवाके बिहारी तेरी आरती गाओ गिरधर तेरी आरती गाओ
आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। अस्मद्गुरोर्भगवतो सिद्धयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानां कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभा पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णे सुंदर मुखा अरविंद
नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारणोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधा जो मेरी स्वामिनी तो मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म मोहि दीजिए सुगंधावन को वास। मेरो मन गिरवी धर्यो मन मोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो कि छूटन की नहीं आस। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आइए भगवान नाम से अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के भक्त का चरित्र श्रवण करेंगे। हो राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम Krishna Radha
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी परमात्मा की असीम अनुकंपा से भगवान के भक्त का चरित्र श्रवण करने का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। देखो भगवान की बड़ी कृपा है, वैसे तो सब दिन ही बढ़िया है, लेकिन ठाकुर जी की ओर जीव उन्मुख हो जाए तो समझना कि ये दिन बहुत ही अच्छे हैं। दिन में तो भागवत सुनने को मिलती है, भगवान का चरित्र, और सायंकाल के समय में भगवान के भगत का चरित्र। श्री हरि भगवान की जय। भगवान का दिव्य चरित्र सुनने से भगवान की दयालुता मालूम पड़ती है, और भगवान का भगत का चरित्र श्रवण करने के लिए भगवान खुद आवे। देखो आपनो लड़को कोई बड़ो हो जावे, देश विदेश चले जावे, और बठोइया का समाचार आवे कि ठाकुर लड़को तो बहुत विद्वान हो गयो, ठाकुर लड़को तो बड़े जार बहुत बढ़िया नाम कमायो, तो भी का माता पिता ने बहुत प्रसन्नता हुए, तो वे बार बार पूछे और कहीं करो वो और कहीं करो। तो ये भगवान आपका भगत का चरित्र सुनवा के लिए भगवान स्वयं आवे। तो आज भगवान का भगत को चरित्र है। गुजरात में नरसिंह जी को जन्म हुयो, भगवान द्वारिकाधीश की असीम अनुकंपा नरसिंह जी के ऊपर में रही। नरसिंह जी को जन्म गुजरात में जूनागढ़ के सारे छोटो गांव है तड़ाजा करके भी गांव में जन्म हुयो। नरसिंह जी का पूर्वज जो है जूनागढ़ में आर बस गया, जी आपान मारवाड़ छोड़े नागपुर बस गया, जी जूनागढ़ में आर रेबा लग गया, बठे मांगी रोटी रोजी होती, नागर ब्राह्मण में कुल में जन्म हुए वाको। महाराज नरसिंह जी जिका कुल के मायने जन्म हुयो वो ब्राह्मण कुल हो नागर ब्राह्मण। नरसिंह जी यहाँ का भगवान का भक्त गया है, जिया भागवत के मायने भक्तराज ध्रुव, भक्तराज प्रहलाद और ए कली काल में कलयुग में भक्त नरसिंह जी जो हुआ भगवान की बड़ी कृपा रही। 1475 के मायने जूनागढ़ के मायने नरसिंह जी को जन्म हुयो। अब देखो भाई कोई कतो बड़ो विद्वान हो जावे बहुत नाम कमावे लेकिन जी का गांव में रहे भी गांव का लोग भी की इज्जत नहीं करे, ए तो नहीं रहे कहीं। महाराज नरसिंह जी को जन्म गुजरात में हुयो लेकिन राजस्थान का लोग नरसिंह जी को चरित्र सुनाए, नानी भाई को मायरो राजस्थान में ज्यादा गावे, गुजरात का लोग नानी भाई को मायरो नहीं गावे।
और मीरा जो है राजस्थान की ही, लेकिन गुजरात में मीरा की भक्ति ज्यादा है, मीरा को चरित्र ज्यादा गुजरात में चलता है। इसलिए केबा को मतलब है कि कतोई बड़ो आदमी हुए, विद्वान हुए, कतोई नाम कमाएड हुए, आपने करने ज्यादा कन्नरे हुए तो आपने नजरा कमाए वो नीचे रहे। श्री हरि भगवान की जय। तो नरसिंह जी को जन्म नागर कुल ब्राह्मण में हुए। अब जन्म हुई नरसिंह जी न तो मैंने काना सुनीस तो और न मुंडा बोलीस तो गूंगा और बेरहा। तो नरसिंह जी को जन्म हुयो, थोड़ा ही दिना के बाद में नरसिंह जी का माता पिता कोई ये की महामारी आई, भी महामारी में नरसिंह जी का जो माता पिता वे भगवान के घर चले गया। नरसिंह जी दो भाई हा, बड़ो भाई को नाम जयदेव, छोटो भाई नरसिंह। महाराज माता पिता दिवंगत हो गया तो नरसिंह जी की जो दादी ही बा नरसिंह जी की देख रेख करती, और नरसिंह जी की दादी जो देख रेख करती गांव के मायने कोई भी संत आ जाए तो भी संत के चार चरणा में प्रणाम करवाती। यहां प्रणाम करवाती कि कोई सिद्ध महात्मा आ जावे और आशीर्वाद लाग जावे तो महारा ही गूंगा और बेरा छोरा ने बोलनू और सुननू आ जाएगी। अब सच्चो संत कौन सो, संता की कोई परिभाषा तो है नहीं, सच्चा संत की पहचान तो कोई है नहीं। मां के गुरु महाराज है जो एक ही बात कहता कि आपने सच्चो और झूठा मतलब नहीं रखना। कनाई कुंभ का मेला में जावा तो बैठे जो भी संत मिला आपन प्रणाम कर लेनु चीज, और कड़ा न कड़ा कोई सच्चो संत को आशीर्वाद लाग जाए तो आपनो बेड़ो पार हो जाए। इसलिए आपन तो परीक्षा नहीं करना है कि वो साचो है कि झूठो है, आपन तो जो संत मिले भी चरणा में प्रणाम कर लेना। अब कड़ा न कड़ा एक साचा संत का मुख हुए निकल जाए जा बेटा मौज कर तो अपना जीवन में वाह 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 हो जाए। इसलिए नरसिंह जी की जो दादी ही बा गांव का मान कोई संत आतो भी संत का चरणा में प्रणाम करवाती, महाराज मारो एक पोतो है, न तो इन बोलनो आवे न इन सुनाई देवे। जताई गांव में कोई संत आता तो सौ पहले प्रणाम करवाती। नरसिंह जी के घर में एक भौजाई, नरसिंह जी की दादी, बड़ो भाई और नरसिंह जी की भौजाई। अब नरसिंह जी की भुजाई भाई बहुत तेज स्वभाव की कि बांगे रीस तो ना की डांडी मारे रहती, थोड़ी सी बात होती और रीस कर लेती, और महाराज बात तो ज्यादा ही थोड़ी होशियार। अब नरसिंह जी की भुजाई दिन भर घर में रहती, नरसिंह जी की दादी घर में। अब नरसिंह जी की भुजाई को नियम हो कि दिन में 10-5 बार लड़ाई नहीं करे, झटे तो रोटी नहीं खावे, यहां को नियम बना लियो। नरसिंह जी की दादी एक दिन शिवरात्रि को समय हुयो, शिवरात्रि के समय में सुबह सुबह नहाय धोर शिव जी का मंदिर जावे लगे। अब देखो आपा अपने घर पूजा पाठ करा तो अपना छोरा ने सिखानो नहीं पड़े, जिका घर का मायने बीका माता पिता रोज पूजा करे स्तुति करे तो बा बेटा पोता ने सिखानो नहीं पड़े, वे खुद ही सीख जाए कि मारे पिताजी किया भगवान सूर्य ने अर्ध देवे, किया बालकृष्ण भगवान की पूजा करे। तो नरसिंह जी की जो दादी ही सुबह सुबह उठ रोज मंदिर जाती, एक दिन शिवरात्रि को समय हुयो तो सुबह सुबह नहा धोर मंदिर जावा लगी, तो नरसिंह जी दादी को जार पल्लो पकड़ लियो। अब बोलनो आवे नहीं, सुननो आवे नहीं, रोज मंदिर जाती तो नरसिंह जी भी दादी के पीछे पीछे चले जाता। अब शिवरात्रि को समय आयो, जे नरसिंह जी की दादी मंदिर जाबा लगी, नरसिंह जी जार आपकी दादी ने पकड़ ली, अब बोलनो आवे नहीं, तो नरसिंह जी दादी के बाल लगी आज शिवरात्रि है बेटा,
आज तो नहा दो और मंदिर जानो है। अब नरसी जी जिद करवा लगे मैं ही चालू, तो दादी के बारे की जल्दी से नहा रहा। तो नरसी जी तुरंत नहा धो दादी के साथ ही मंदिर गया। अब जे मंदिर में सुबह सुबह जल्दी गया, भीड़ ही पनी जार भगवान शंकर जी की पूजा कर दी, जल चढ़ा दियो और वापिस घर आवा लगी। तो एक मंदिर के मायने, एक कुणा के मायने एक महात्मा जी बैठे। अब जे महात्मा जी की तरफ नरसिंह जी की दादी देखो, ये तो नया महात्मा जी आया। अब मंदिर में कोई नया महात्मा जी आया तो दर्शनार्थियां थोड़ा कोट ज्यादा लगे, ओ ये नया महाराज है, ये थोड़ा ज्यादा ही विद्वान है, पढ़िया लिखा है। तो महाराज नरसिंह जी की दादी व नया महात्मा जी के जवाब लगे। अब महात्मा जी यहाँ का कि दूर देख ली नरसिंह जी की दादी आ रही है, तो देखो कि बाया लोग आ जावे तो बस की मैं माला फेरू एक माँ महाराज 5-10 मिनट खराब कर दी। यहाँ का प्रश्न करी कि नहीं तो आपको कोई मतलब निकले। जार पूछी महाराज एकादशी आलू खावा कि नहीं। अब आलू खाने की पूछने का ही बात, तो महात्मा जी नरसिंह जी की दादी का नु देख आंखें बंद कर ली। अब जी आंखें बंद करी तो नरसिंह जी की दादी जार महात्मा जी के सामने बैठ गए। महाराज राधे कृष्ण। अब राधे कृष्ण बोले नहीं, तो नरसिंह जी की दादी सोची राधे कृष्ण का भक्त नहीं है, राम राम सके हूं। महाराज राम राम, राम राम ही नहीं बोले, राधे कृष्ण राम राम। तो नरसिंह जी की दादी विचार करने लगी हो कि आज तो शिवरात्रि है, महाराज हर हर महादेव। अब तो महात्मा जी तो आंखें नहीं खुले। महात्मा जी विचार करें कि आंखें खोल ली तो आ डोकरी जो है महाराज 10-15 मिनट खराब कर दी। एड़ा एड़ा सवाल पूछी कि महाराज जी की माला जप रहे हूं तुम्हारो समय बर्बाद कर दी। देखो संत को क्षण और अन्न को कर्ण कभी बर्बाद नहीं करना। कड़े संत महात्मा करने जाओ तो बानिया नहीं पूछो हमारी फैक्ट्री चाली कि नहीं चाली। महाराज मारो छोरों को डॉक्टर बनी अच्छी सर्विस लाइन में जाएगी। संसारिक सवाल नहीं पूछना चाहिए संताओं, क्योंकि बांको एक एक क्षण कीमती हुए। तो संत आंखें बंद कर बैठ गया और डोकरी जार सामने बैठ गई। केवल लगी महाराज ओ महाराज, बड़ा डोकरी बैठ दी तो नहीं, पर जी डोकरी संत महात्मा की तरफ आवा लगी तो संत डोकरी ने देख रहा बंद कर ली। तो डोकरी के मन में जज की कि मैं महाराज करूं आंखें खुलार छोड़ लू मारू राधे कृष्ण बुलार छोड़ लू। तो महाराज डोकरी सामने जार के लगी महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज। अब संत तो माला फेरता फेरता देख लगा कि ओ महाराज महाराज करे मैं करूं राधे कृष्ण राधे कृष्ण, थोड़ी देर मैं करवा लगे महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज। 5-10 मिनट देखो संत का डोकरी जबाली तो नहीं। देखो भाई माताओं की एक विशेष गुण है कि एक कोई बात की ठान ले वे तो भगवान की यहाँ पर बड़ी कृपा की बात मना रहे हुए। एक हुआ बाल हट, एक हुआ जोग हट और तीसरा आप जानो सब। तो महाराज विचार करवा लग गया कि डोकरी माने नहीं। थोड़ी देर में 5 मिनट में 10 मिनट में महात्मा जी आंखें खोली, केवल लग गया डोकरी का ही बात है। तो डोकरी केवल लगी महाराज मैं कोई था करूं कोई दंड का मंडल मांगी। महाराज महाराज एक पोतो है और न बोल सके न सुन सके, थाजिया को सिद्ध महात्मा को कोई आशीर्वाद लाग जावे तो महाराज सुरन बोली आ जावे सुनवा लाग जावे और महाराज जीवन में कोई कमी नहीं है। महात्मा विचार कियो भगवान की कृपा हो जाए छोर बोलवा लाग जावे क
कई संत लोग तो यही कहे कि भगवान खुद ही संत बन रहा। तो महाराज केवल अगर डोकरी थारो पोतो खड़े हैं, बोलो सामने बैठो। अब महाराज नरसिंह जी ने इशारा बोला बेटा ना, और ये महात्मा जी के करने लियार प्रणाम करायो और महात्मा जी के माता पर हाथ रखियो और केवल अगर डोकरी ओ थारो पोतो है, एक दिन बहुत बड़ो संत बने लो। डोगरी हंसवा लगी महाराज कहीं संत बनी, न तो इन्हें काना सुने न मुंडा बोल सके कहीं संत बनी। नहीं नहीं डोगरी, भगवान की कृपा के ऊपर हुई है, एक दिन बहुत बड़ो संत बना लो। और महाराज नरसिंह जी ने संत आपकी गोदिया में बिठा लियो। और भी का कारण क्यों बोलो बेटा? राधे कृष्ण। कहीं क्यों बोलो बेटा? राधे कृष्ण। और जिए संत का कान में राधे कृष्ण क्यों, तो नरसिंह जी तो गोद में खड़े हो गया और राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण को कीर्तन करवा लगे। महाराज अतो कीर्तन करो कि डोगरी को उसी को ठिकाणो नहीं रहो। आज डोगरी को जन्म जन्मांतर को दुख दूर हो गयो का आज मारो गूंगो बेरो वो तो बोलवा लगे। डोगरी तो अति प्रसन्न हुई और केवल लगी महाराज स्थान दक्षिणा देऊ थोड़ी। अब देखो पुराना जमाने के मायने आज भी गांव में जिसकी बूढ़ी डोगरे रे वे आपका लुगड़ी का पल्ला के 150 रुपए बांध रहा रख, तो बा डोगरी के पल्ला के 100 रुपए 50 रुपए बांध रहा। अब डोगरी विचार करवा लगी महाराज ने 10 रुपए दे देवा। अब विचार करवा लगी महाराज ने 10 रुपया दे दिया कट बिगड़ जाए थोड़ा कम ही देवा तो महाराज जान का नहीं चीज। अब डोगरी 10 को नोट काटे पाछो पल्ला के बांध लेवे। महाराज देखियो डोगरी के देवा की इच्छा नहीं। महाराज के बोला के डोगरी मन पीसा नहीं चीज। अच्छा महाराज पीसा नहीं चीज जना बहुत बढ़िया महाराज, अब तो बहुत ही बढ़िया काम है। तो महाराज से मार घरे चलो। बोले डोगरी मन घरे नहीं जानो, तू तो खाली अतो ही काम कर जे के इया मत के दी कोने के संत को आशीर्वाद लाग्यो है और ओ मारो छोरो बोलवा लाग्यो सुनवा लाग्यो, नहीं तो काल सुबह लाइना लाग जाएगी से गुंगा बेरा मारे करना आ जाएगा, मैं भगवान को भगत भजन करना करूला। अब देखो कोई बात को प्रचार करनो है तो माताओं ने अति बात कह दीजो के देखो आ बात को इनके नहीं है, तो अपने आप बिना ही पेपर के पूरा गांव में फैल जाए, न्यूज़पेपर के बिना ही पूरा गांव में फैल जाए। तो नरसिंह जी बोलवा ला गया संत करो आशीर्वाद ले और डोगरी आपके घर आई। अब जी घर आई तो नरसिंह जी की जो भुजाई बातो दो घंटा इंतजार ही करे कि आपके यहां लड़ू, दो घंटा घर आई। जी घर आई तो चिल्लावा लागी हाँ दो घंटा मंदिर में बैठे गया ई गूंगा ने बेरा ने मारे घरे लिया आ कोई धर्मशाला थोड़ी है, मारो घर है इन शिव जी का मंदिर में क्यों नहीं छोड़ रहा है। तो नरसिंह जी की दादी के बाल लगी ए बहू महारा नरसिंह जी ने अब गूंगो और बेरो नहीं केवल मारो नरसिंह अब बोलवा लागो। तो नरसिंह जी की भुजाई बोलवा लागी बोलवा लागो बोल दिखा तुम। तो नरसिंह जी के बाला गुरु राधे कृष्ण। अरे माता जी थे कौन सा संत कर ले गया मारे पीर के मायने भतीजा भांजा कई गूंगा बेरा है मैं ले जाऊं। अब नरसिंह जी की भुजाई दौड़ मंदिर में गई तो बड़े बड़े संत मिले ही नहीं। इले संत महात्मा के वे के वे कोई संत नहीं आ भगवान ही बन रहा और नरसिंह जी ने सुननो और बोलनो सिखा गया। श्री हरि भगवान की जय। महाराज नरसिंह जी बोलवा ला गया सुनवा ला गया तो आपकी वाणी को सदुपयोग करता, एक कोना में बैठ जाता जना बोलनो नहीं आतो तो मन मन में करता और आज भगवान की कृपा बोलवा सीख गया। तो नरसिंह जी एक कोना में बैठ भगवान को गुणगान करता।
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री नरसिंह घर में बैठा बैठा कीर्तन करता वाणी को सदुपयोग करता। एक दिन नरसिंह की भुजाए के बाल लगी, ए नरसिंह, दिन भर घर में बैठे बैठे रोटियां रोड़े, कुछ घर में काम करे नहीं, जा जंगल में लकड़ी ले रहा, शाम का रोटियां बनावा ताई बनी तो ले रहा। नरसिंह जी आपके घर में गया और जी जंगल में गया, थोड़ी देर तो लकड़ियां इकट्ठी करी, जंगल में लकड़ियां लेकर वापस आवा लगा तो एक एक जगह सत्संग चालो, भी सत्संग में आर बैठ गया, बड़े भजन करवा लग गया, कीर्तन करवा लग गया। सुबह शाम होगी भी शाम तक नरसिंह जी भी कीर्तन के मायने बैठे बैठे कीर्तन करे। महाराज सुबह गया श्याम हो गए, विचार करवा लगा कि अब तो घर जाता है भौजाई खबर ले ली। नरसिंह जी लकड़ियां बांध आपका माथा पर लेर घर आबा लगा, मन में विचार करो कि आपा घर जा लकड़ियां तो रख देवा और तुरंत ही गौशाला में जार गायन बैठ जैसे।
नरसिंह जी घर में नहीं रहता, गौशाला में रहता, तो लकड़ियां तो घरे नाग देवा और गौशाला में उठ जा। अब जिये नरसिंह जी घरे आया, घर जिये बारना में प्रवेश करियो, तो योग की बात की जी लकड़ियां बांध, पहली बार रस्सी टूट गई। अब रस्सी टूटी, लकड़ियां धड़ 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 करके नीचे पड़ी, अत्यान तो भुजाई आ गई। हाँ, अब आए तुम, सुबह गयो हो और अब आए, थारे भरोसो रे वहां, तो घर में भूखा ही मरा। नरसिंह जी ने कोई कई बातें भुजाई सुना दी और बार बार डांटवा लगी, नरसिंह तुम्हारे घर वो निकल जा। अब नरसिंह जी ने बार बार डांटी तो नरसिंह जी की ठीक है भुजाई जी, मैं घर उड़ जाऊं, अत्यान तो बड़ा भाई साहब आ गया। अब जी बड़ा भाई साहब आया तो पावर और बढ़ गयो, और ज्यादा चिल्ला बाला की। बड़ा भाई साहब के बाला क्यों, कहीं बात हुई तो बाके बाला की, देखो दिन भर घर में पड़े रहे, काम कुछ करे नहीं और मन के गरम गरम रोटी दे, मैं कहीं घर की नौकरानी हूं, अब तो और ज्यादा तीन लगार आपका। नरसिंह जी की बात बताई, नरसिंह जी विचार करवा लग गया कि मैं आके घर रे हूं तो आ दोनों मोटार लुगाए के लड़ाई हो, और जो सही संत रे वो यहीं की जगह रुके भी नहीं। महाराज नरसिंह जी के बल आ गया, भुजाई जी मैं घर छोड़ चलो जाऊं, तो भुजाई के बल आ गई, हाँ चलो जा, वापिस मत आई जे, घरा वापिस मत आई जे। बोले भुजाई जी और खटे उठ जाऊं लेकिन घरे कदे ही नहीं आऊं। अब नरसिंह जी आपको घर छोड़ जंगल के माये चले गए। जंगल के मायने देखो, या तो हनुमान जी को मंदिर मिले या शंकर जी को मंदिर मिले, जताइए जो सब लोग चंदो इकट्ठो कर कोई मंदिर बनावे ना, तो थाने हनुमान जी का और शंकर जी का मंदिर घणाई लाजी, लेकिन ठाकुर जी का मंदिर बहुत कम लात, क्योंकि जताए ट्रस्टी बनाए ना मंदिर बनाए बाद में ट्रस्टी, यहाँ तो ट्रस्टी लोग का ही ध्यान रखे है कि शिव जी को तो एक बार साल में उत्सव आवे, का ही शिवरात्रि, तो साल में एक ही बार मंदिर जानो पड़े, और ठाकुर जी को मंदिर बना दे तो भी कमाए, तो देखो बारह महीना में कता उत्सव आ जाए, तो ट्रस्टी घर संभाले कि मंदिर संभाले, तो ट्रस्टी परेशान हो जाए कि आपा तो शंकर जी को मंदिर बनावा, और जो को ठाकुर जी को मंदिर बनाया और भी का जगह ट्रस्टी बन गया, तो भे तो साल के मायने 25 तो उत्सव ही मनावे, कणा झूला उत्सव आ जाए, कणा जन्माष्टमी आ जाए, कणा वामन जयंती आ जाए, कणा रामनवमी आ जाए, कणा वार्षिक उत्सव आ जाए। महाराज साल भर में कत्ता ही प्रोग्राम हो जाए, इसलिए ठाकुर जी का मंदिर का ट्रस्टी लोग कम बढ़नो चाहो, क्यों कबन उत्सव के मायने जानो पड़े, अब बांका समझ को नहीं, घर ही ना मंदिर का ही समझ। श्री हरि भगवान की जय। तो जंगल के मायने नरसिंह जी जाए और एक मंदिर में शिव जी के पास बैठ गया, बेलपत्र तोड़ लिया और बेलपत्र तोड़ शंकर जी के ऊपर में पिंड के ऊपर चढ़ा भला गया। अब 7 दिन तक शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया, शंकर जी प्रसन्न हो गया। शंकर जी जी ही नरसिंह जी की तरफ देखो और नरसिंह जी शंकर जी की तरफ देखो, भक्त और भगवान दोनों आपस में देख रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। शंकर जी नरसिंह जी ने देखा है और नरसिंह जी शंकर भगवान ने देखा, और मन ही मन में नरसिंह जी भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सू स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान
अगड़ बम बमुख गाऊं, मैं तो अगड़ बम बमुख गाऊं, मैं तो अगड़ बम बमुख गाऊं, मैं तो अगड़ बम बमुख गाऊं। तब प्रसन्न भए शिव राजा, तब प्रसन्न भए शिव राजा, वर मांगो सारू काजा, वर मांगो सारू राजा, मैं तो शिव ही शिव को धाऊं, जल सो स्नान कराऊं, तो शिव ही शिव को जाऊं, मैं तो शिव ही शिव को धाऊं, जल सो स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को धाऊं, जल सो स्नान कराऊं। श्री हरि भगवान की जय। शंकर जी प्रगट होर नरसिंह जी ने दर्शन दियो। नरसिंह जी हाथ जोड़ भगवान के बल आ गया, प्रभु बड़ी कृपा हुई, आपका दर्शन होया। शंकर जी के बल आ गया, मारकनो कुछ मांग, तो मैं प्रसन्न होया हूं, तो मारकनो काई ना काई तो मांग। तो नरसिंह जी के मन तो काई नहीं चीज है, शंकर जी बार बार कह रहे हैं कुछ तो मांग। तो नरसिंह जी कहबा लग गया, पहले आ बताओ प्रभु थाने काई प्रसन्न है। तो शंकर जी कहबा लग गया कि मन तो पहले तो मुंडा निकल गयो भांग पसंद है, बस क्यों नहीं भांग तो मैं नशो करूं, और मन सब ज्यादा प्रसन्न है तो भगवान को रास पसंद है। शंकर जी काई बोलिया, मन भगवान को रास पसंद है। तो नरसिंह जी कहवा लग गया कि महाराज थे मन देनो ही चाहो तो मन ही भगवान को रास दिखा दो। शंकर जी बिन में विचार करियो कि अच्छो यो मैं पार्वती को कौन के भाई, पार्वती चौकी लागे नहीं तो पार्वती ले जाते। मन तो भोली सकल को दिखे वो नरसिंह, भोलो सो मुंडो बना दिखे भाई, वो काय मांग लो, ज्यादा में ज्यादा कोई घर मांग लो के भाई शंकर जी मन घर बना दो और ब्याह करा दो, ये दो चीज मांग लो तो बहुत चालू निकलो। अब बोले कि देख भी रास में चालनो है तो भी रास के मायने मैं यहां नहीं गयो, मने कई घाघरा लुगड़ी पहरना पड़े। तो महाराज बोले मन ही पहना दो, घरे जाऊंगे पाछ। बोले घरे नहीं, अब तो मैं तो प्रमाण पत्र बना लियो कने जाऊं और कने आऊं, लेकिन पहली बार गयो जना मैं घाघरा लुगड़ी पहनर गयो। तो आज शंकर जी नरसिंह जी ने साथ में लिया और बैंकुंड में भगवान को रास चाल रहे हो, भी रास के मायने नरसिंह जी ने ले गया। अब जी नरसिंह जी रास के मायने गया तो भगवान ठाकुर जी के बल आ गया, शंकर जी आज वो साथ में कौन ले आया हो, किने साथ में लिया आया? तो केवल आ गया महाराज वो था कोई भगत है, काहे क्यों वो था कोई भगत है। तो भगवान केवल आ गया वो मां कोई भगत है, केवा कोई है कि या हकीकत में ही मां कोई है। देखो एक बात आपने कना या बाहर निकला, अब कोई महात्मा कहते सेठ जी गाड़ी की है ना, सेठ जी कहे के महाराज था की है केवल ना घनी बार। और कोई महात्मा कहते माखिए जना नीचे उतरो बस मान देव चाबी, नहीं महाराज के बाकी है हकीकत में नहीं। जना भगवान पूछो कि हकीकत में है कि अकेबा कोई है। तो महाराज शंकर जी केबा लग गया केबा को कोनी, हकीकत में था कोई भगत है। अच्छा मारो ही भगत है। तो महाराज महाराज चाल रहे हो भी महाराज के मायने नरसिंह जी खड़ा खड़ा महाराज देख रहा है और महाराज के मायने एक दीप दियो कि इस दीपक ने लेर नरसिंह खड़े हो जाए रास देखतो रहे। अब दीपक जलतो जलतो अतो गर्म हो गयो कि नरसिंह जी को हाथ जलवा लाए, लेकिन नरसिंह जी ये नहीं क्यों मारो हाथ जले। थोड़ी देर में भगवान खुद आर के बला गहरे नरसिंह तारो हाथ जले।
दीपक एका ने रखियो और नरसिंह जी को जो को हाथ है भगवान आपका पीतांबर के मायने लपेट ले और थोड़ी देर में बाहर निकालो तो वापस हाथ ठीक हो गयो। भगवान आपके भगत को हाथ थोड़ी जलवा दे। तुम्हारा शंकर जी बड़े खड़ा खड़ा देखे और शंकर जी नरसिंह जी ने केबल आ गया, अरे नरसिंह थारे पर तो बड़ी कृपा हुई, ई रास ने मैं पहली बार देखियो तो मन तो पार्वती जी ने कति मनानी पड़ी। अब भगवान शंकर जी नरसिंह जी ने आपकी बात सुनावे। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी ब्रज में आ गए
प्याज को लगा के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत वाले को आ गए हैं आ गए हैं एक दिन वो बोले भंडारे रंग ब्रज के नारे देखा मोहन ने उन्हें समझ गए हैं सब बात को सब बात को देखा मोहन ने जब समझ गए वो सब राज को ऐसी बजाई बंसी शुद्ध भूत भोले भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे जब सर से साड़ी मुस्काए गिरधारी को कुल में आ गए हैं आ गए हैं एक दिन वो बोले भंडारी शंकर जी केवल आ गया महाराज भी महाराज में मन भी साड़ी पहन जानू पड़े महाराज नरसिंह जी पर भगवान प्रसन्न हुआ वैकुंठनाथ
और नरसिंह जी ने टोपी उड़ा दी। कहीं उड़ाई? देखो आपने संसारी लोग तो टोपी किन के वे कोई आप चीज ले रहा मार कहीं के वे के देखो आ तो बहुत महंगी लिया है थानो तो दुकानदार टोपी पहना। तो भगवान कहे के नरसिंह मतन टोपी पहनाओ तो दुनिया का लोगन टोपी मत पहनाई। हाथ में कड़ताल दे दी केदारो राग दे दियो। जाओ नरसिंह भक्ति रो प्रचार करो। भगवान बैठे ही राग लेता नरसिंह जी तो कहे मैं नहीं जाऊं बैठे जाता ही मारी भोजाई जाता ही गणे गाड़ी में बात पहली की तू तन और खटे ठोड़ी को ने अठे आनो पड़ी। तुमन जाता ही बा रोला करी। महाराज भगवान कहे के मैं लोगा ने इलिए भेज रहा हूं तने के लोगा के मन में विश्वास रहना चाहिए कि घर छोड़वा की जरूरत नहीं है थाने ते घर में ही रेर भगवान ने प्राप्त कर सको। गोपियां कदे घर नहीं छोड़ो घर में रहती घर को काम करती लेकिन मनो भगवान को स्मरण करती। इसलिए भगवान कहे नरसिंह जी ते घर जाओ और मारी भक्ति को प्रचार करो। तो भगवान का के बहू आज नरसिंह जी वापिस पृथ्वी लोक के ऊपर आया और जिये पृथ्वी लोक पर आया और आपके घर गया ना भोजाई जी तो पहली तैयारी बैठे मैं क्यों थाने खटे ठोड़ नहीं है ठे घर आओ। तो अब नरसिंह जी की भोजाई रोड़ा करवा लगी तो नरसिंह जी खुश हो गया बोले भोजाई ए ताना रोड़ा कई काम कर गया मारा आज तू रोड़ा नहीं करती घरा प्रेम रागती तो कदे घर नहीं छोड़ दो तो मन बार बार डांटती रोड़ा करती तो आज मैं भगवान का बैंकुंड में जा रहा क्यों बटे भगवान को रास चालो भी का दर्शन कराए क्यों। अब देखो कई कई लोग जिद्दी स्वभाव का आवाया बान कोई सच्ची बात के वहां तो माने नहीं बोले थारे ताई पड़े हो बैंकुंड। नरसिंह जी की एक बात नहीं मानी। नरसिंह जी बोले भौजाई थे ए रोड़ा नहीं सुनाता बार बार नहीं डांटता तो मैं मारे जीवन में कदई रास का भगवान का दर्शन नहीं होता। तो भाई देखो आपने घर में परिवार में समाज में कई प्रकार का लोग हुए कने कने अपन डांट देवे तो दुखी नहीं होनु मन थे आ बात के दी थे मनिया सुना दियो जका पर ज्यादा कर पावे बिन ज्यादा गड़ा गड़ा सुनबान मिले। अब कोई कोई क्या मानतो जसी को नहीं तो काम करा घर में अपने सही मानतो डाटे ही डाटे तो यहाँ समझ लो कि भगवान ज्यादा कृपा था पर ही कर पे नरसिंह जी पर कत्ती गाड़िया सुनी जना जार को दर्शन हुआ ना तो बत्ती तो थान सुनाता ही को नहीं बोला सुनावा कौन सुना कड़ा कड़ा ही तो सुनावे तो समझो कि कड़ा कड़ा भगवान कृपा करे आपा ने पाचो बोलनो नहीं है। तो नरसिंह जी घर आ गया और भोजाई ने धन्यवाद देवे के भोजाई थारी कृपा है नहीं तो मन भगवान कदे नहीं मिलता। महाराज इस प्रकार नरसिंह जी भगवान अतो धन देर भेजो कि 14 पीढ़ियां खत्म नहीं हुए। कत्ती पीढ़ियां 14 पीढ़ी अतो धन दियो नरसिंह जी ने। तो नरसिंह जी कीर्तन तो कम करता और ज्यादा धन गिनबा में लगे रहता दिन भर नोटा ही नोटा गिनता। तो एक गांव के मायने भोजनालय खोल बेलो कि कोई भी साधु संत आवे बिन भूखो नहीं जावा देनो भोजन कराओ दक्षिणा देव और जाओ। अब कई संत आता भोजन करता चले जाता। एक बार कोई 4-5 संत आ गया वे भोजन कर लियो बोले थका सेठ जी खटे बोले सेठ जी तो दिन भर नोटा गिना है बान टाइम नहीं है थाने जीम लियो और थाने दक्षिणा पानी चीजें तो मैं दे दे वहां मान तो छोड़ बेले ही लिए कि कोई भी आवे 150-500 जो भी मांगे और दे दे हूं। तो बे संत के मैं तो पैसा नहीं ले मान तो थाका सेठ जी मिलनो है काहे कि मान तो थाका सेठ जी मिलनो है। तो सूचना करी महाराज आज तो 4 संत आया है बे केवे कि मैं तो थाका सेठ जी मिला दक्षिणा कौन चीज। सेठ जी के बल अज्ञात बानी कह दो थान कताक चाहिए बता दे दो और बांध रवाना करो मन खटे टाइम के मैं दिन भर नोटा ही नोटा गिनू।
अब वापिस आदमी आया और केवल अगे महाराज थाने दक्षिणा जितनी चीज मुंडा मांग लियो पर वाका सेठ जी नहीं मिले। अब संत भी अड़ गया, संत कहेंगे वे माने भी दक्षिणा नहीं चीजें मानतो था का सेठ जी दो बात करनी कहें क्यों था का सेठ जी दो बात करनी एक बार बुलाओ बार। अब पाचा आदमी क्या बोले महाराज पे तो क्या मानतो पीसो एक रुपये नहीं चीज है सेठ जी मिलना खाली। अब सेठ जी देखो कोई साचा ही संत आया जो अब सेठ जी आपको काम धंधो छोड़ गया बोले महाराज बोलो सेठ जी की संत की बैठो सेठा सेठ बैठ गया बोले थे दिन भर काई करो बोले बस मार दो तो बड़ो धंधो भगवान 14 पीढ़े खत्म नहीं है तो धन दिए है भी धन ने संभाल में भी लाग जावे पूरे समय। तो बस संत केवल आ गया कि सेठ जी एक बात बताओ थे जना संसार छोड़ जाओला तो कतो रुपये साथ ले जाओला कि वो तो जाना तो सही है रुपये साथ कौन सा ले पर जीवता जी तो रुपये छोड़ा नहीं। तो महाराज धीरे धीरे अभ्यास करो अतो थे दिन भर पीछा गिणबा गिणबा में समय बर्बाद कर दे भगवान को भजन करना करोला। अब महाराज बे ज्ञान की बातां केबल आ गया केबल आ गया देखो लोग गर्म हो जाए ना बीक ऊपर बाद में चोट करा तो बोलो मुड़ जावे ठंडा लोग ऊपर अपना चोट करा तो लो मुड़े नहीं। अब वे सत्संग की बातां सुनाबा लग गया सुनाबा लग गया धीरे धीरे सेठ जी के मन में वैराग्य आबा लग गयो और यहाँ को वैराग्य आयो महाराज राजस्थान में भक्तमती मीरा हुई ना जब राणा जी के बाल आ गया कि मारे घर रेणु है तो तन कदे भगवान को भजन नहीं करना पड़ो और भजन ही करना तो मारो घर छोड़ दे। तो मीरा ने आ बात कही तो मीरा बी टाइम ही आपको राज दरबार छोड़ दियो और भगवान के भजना के माय लाग। तो महाराज आ संतां को चरित्र मीराओं को चरित्र है तो नरसिंह जी को मायरो और मीरा घटू आएगी इलिए के वहां के भक्ता को चरित्र आपा सुना तो आपा ने ऊर्जा मिले। तो मीरा जी टाइम ने चित्तौड़ को राजगढ़ छोड़ दियो और भगवान की द्वारिका में अनेक संत महात्माओं के सामने कीर्तन करती करती द्वारकाधीश भगवान की मूर्ति में समाहित होगी। तो सेठ जी संतां को सत्संग सुन रहा है तो जी हाँ मीरा ने वैराग्य आयो बी टाइम ही नरसिंह जी ने वैराग्य आ गया 14 पीढ़ी खत्म नहीं हुए लेकिन 12 महीना में सल्टा दियो स्वर्ण को। महाराज मीरा भाई तो भगवान द्वारकाधीश हूं अति दृढ़ प्रेम हो दुनियादारी हूं मतलब नहीं हो इलिए मीरा जी संसार छोड़ संसार के लोगों की परवाह नहीं कर भगवान का भजन में लागी। आपा तो देखो कोई भजन ही करार केवाना ताली बजाओ देखे पड़ोसी तो बजावे नहीं आपा क्यों बजाओ आपा ने पागल समझ लेकिन मीरा भाई ने यानी दुनिया का लोग कहीं केवे मत भगवान का भजन में ला। हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो
रानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, ओ राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, ओ राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। श्याम रंग में रंग कर सुंदर मीरा जी ने ओढ़ी, श्याम रंग में जी ने ओढ़ी, श्याम रंग में रंग कर चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, श्याम रंग में रंग कर चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नहीं खबरिया, लोक लाज की नहीं खबरिया, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। दुनिया से प्रीत तोड़कर श्यामल रंग चढ़वाया, इस दुनिया में प्रीत छोड़कर श्यामल रंग रंगवाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़कर श्यामल रंग चढ़वाया, इस दुनिया से प्रीत छोड़कर श्यामल रंग चढ़वाया, साथ सभी का छोड़ के उसने गिरधर गिरधर गाया, संत लोगों के पास में नरसिंह जी बैठा है और संतां को सत्संग इया को लाग्यो, नरसिंह जी ने बैराग्य हुआ लाग्यो।
लहर उठी बेराग की, कर्म भये चकचूर, विषय कामना सब मिटी, भगे मोह सब दूर। दीनों द्रव्य लुटाए सब, द्वादश मास ही माही, देश देशांतर सब सुनी, हुंडी चाले नाही। आज नरसिंह जी 14 पीढ़ी को भगवान अतो धन दियो, और नरसिंह जी भी धन ने 12 ही महीना के मायने लुटा दियो, सदुपयोग कर लियो। महाराज नरसिंह जी को वैराग्य संतान के अनुयायी है। संत लोग देखा कि नरसिंह जी दिन भर पीसा गिनता रही, भगवान का भजन नहीं कर पाओ, इसलिए भगवान प्रेरणा कर नरसिंह जी ने भजन में लगाया। आज एक साल के मायने 12 महीना के मायने सब धन लुटा दियो, खाली हवेली हवेली बची भी, हवेली के मायने बैठ नरसिंह जी कीर्तन करे। नरसिंह जी और नरसिंह जी की पत्नी, भगवान अतो धन दियो बी टाइम के मायने आपकी बेटी को विवाह कर दियो, विवाह के मायने में बहुत धन लगायो, सदुपयोग करियो। महाराज नरसिंह जी आपकी पत्नी के साथ है, बैठा बैठा कीर्तन करता। नरसिंह जी को एक बेटो हो सावल सा है, वो भी थोड़ा दिना में भगवान के धाम चले गयो। अब जवानी के मायने जवान बेटो मर गयो, तो भी नरसिंह जी ने दुख नहीं हुयो। देखो दुख तो सब नहीं हुए, लेकिन जो भगवान की भक्ति करे वो भी दुख न सहन कर ले, कतो बड़ो दुख को पहाड़ आ जावे। देखो प्रहलाद जी के ऊपर भक्ति, भगवान की भक्ति करता तो प्रहलाद जी ने, प्रहलाद जी को पिता ही कष्ट देतो न, अतो कष्ट दियो प्रहलाद जी, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी। आपनो ही कड़ा कड़ा मन तो करे कि अब रोज एक सुंदरकांड को पाठ चालू कर सिया, रोज 10 माला जप करा, ई महीना तो नहीं 1 तारीख को चालू करा, इया करता करता नवंबर आ जाए, दिसंबर आ जाए, सोचा कि आपका 1 जनवरी चालू कर। तो महाराज आपा तो विचार करता करता 1 जनवरी चालू करा तो 10 जनवरी तक तो चाले ठीक, अब एक दिन थोड़ी सी बुखार आ जाए, थोड़ा माथो दुखा लग गया तो से नियम फेल हो जाए। तो महाराज नरसिंह जी तो नियम का पक्का कि रोज 10 माला जप्या, पहली पानी नहीं पीऊ, भगवान की इतनी स्तुति करें पहली रोटी नहीं खाऊ। तो आपनी स्थिति आवे तो जरूर है, कड़ा कड़ा आपा नहीं वैराग्य आवे, लेकिन आपनो वैराग्य थोड़ो सो ठीक है, 2-4 दिन तो करा और बाद में रापड़ रोड़े हो जाए। श्री हरि भगवान की जय। महाराज नरसिंह जी की भक्ति बड़ी दृढ़ भक्ति है। नरसिंह जी आपका घर में बैठ कीर्तन करता। अब नरसिंह जी की बेटी को ब्याह तो कर दियो, ब्याह के बाद में कदे ही नरसिंह जी आपकी बेटी को मिलवा नहीं गए, वे तो आपकी भक्ति भाव में लाग गया। अब नरसिंह जी की जो बेटी ही बी की बेटी ब्याह वाली हुई, जिए बेटी को ब्याह मांडियो तो श्रीरंग जी गांव का माए जूनागढ़ में जानिया मान्या सेठ था, तो बड़ा बड़ा लोगन बुलाया सगाई करी जी टाइम, ब्याह मांड दियो तो ब्याह में कुकुपत्री लिखी जी टाइम विचार करवा लग गया कि कुकुपत्री लिखा पहली किन देवा, पहली तो गणेश जी दे दी ठीक है, अब दूसरी पत्रिका किन देवा, तो लोग के बल आ गया कि थाका सौ ज्यादा खास संबंधी है बंद देव,
और खास संबंधी तो नरसिंह जी है, नरसिंह जी देवा पत्रिका। अब श्रीरंग जी विचार करवा लग गया कि नरसिंह जी बी टाइम स्थिति ही बा आज नहीं है। बी टाइम तो करोड़ों अरबों रुपया का मालिक है और आज नरसिंह जी घर बैठा कीर्तन करे काई नहीं है, पास में साधु संत बैठा रहे और वन पत्रिका दे देवा तो आपने 88 बड़ा बड़ा लोग देखी। विचार करी श्रीरंग जी का किया का ब्याह आया है, साधुओं ने साथ लिया। तो श्रीरंग जी विचार करवा लग गया कि अब काई करना चाहिए। महाराज नानी बाई की जी की सास ही बा विचार करवा लगी पत्रिका नहीं देवा तो गांव में चुकी नहीं लगे और पत्रिका दे देवा तो नरसिंह जी अठे आसी तो गांव का मार भूडा लागा। अब महाराज नानी बाई के दादे सास ही, आजकल तो दादे सास कोई 100 घर में एक आधो घर मिले, दादे सास बहुत कम मिले। तो नानी बाई के दादे सास ही बाप के घर चौबारा में बैठी रहती। अब दादे सास घर बैठी है तो नानी बाई की जगह सासू है बा कणा घर बारे जावे कणा घर के माइन आवे। अब जिकी डोकरे ने बूढ़ा हो जावे जना बूढ़ो और बालक एक समान हो जावे। अब घर कोई आवे तो पूछे वो कौन है किए आयो कहीं काम हो। अब महाराज नानी बाई की सासू है कणा तो घरों बारे जावे कणा पाची माइन आवे। तो नानी बाई की सास जो दादे सास से बा केवल अगी बीननी आज इया किया घूमो। अब देखो नानी बाई की सास आपकी दादे सासू ने डांट रही है, थान पंचायती कहीं है फिर भी बा कहीं के वे बीननी थे इया बार बार जाओ आओ तो थे थक जाओ। देखो घर में बीनणी फड़ी नहीं फोड़े कहीं काम नहीं करे लेकिन बीनणी से डाड़ी राखड़ी थे तो काम करो थक जाओ बैठ जाओ थोड़ा आराम कर लो। तो बीनणी खुश रही था गरम गरम रोटी खा ली और किसी की नहीं करे दिन भर घर पड़ी रहे तो देखो बात चाय भी था गरम नहीं दे। तो महाराज दादे सास बिन कड़ा ही बाकी थी बीनणी थे बार बार घूमो थक जासो तो काम करो घर को थे। आज थाके टेंशन लाग रही है मनी अब दिख रही है थाके चेहरा बोले टेंशन ये है कि आपा अपनी पोती को ब्याह मान दियो। अब पोती को ब्याह तो मान दियो पत्रिका नरसिंह जी देवा और नरसिंह जी अठे 10-15 साधुओं साथ ले रही तो गांव के मायन आपने कति इज्जत है कैसे नरसिंह जी आगे श्रीरंग जी का ब्याह तो अता साधुओं साथ ले रहा है तो गाँव में अच्छी नहीं लगे। तो बोले देख बीनणी मारे कन बेटा तीसी बात है आज ही चिंता करी। देखो घर में अपना बड़ा बुजुर्ग हुआ है बाकी करने 10-15 मिनट बैठना चीज है। आज का युवा पीढ़ी काय करे आजकल मोबाइल हो गया मोबाइल कन बैठ घर में 10 आदमी है तो आप आपका बिल्कुल शांत रही कमरा वो आपको चला रहे वो आपको घर में देखे कोई है ही नहीं। तो देखो मोबाइल देखनो चीज है आपके यू के अनुसार कोई बात नहीं लेकिन अपना बड़ा बूढ़ा है बांकन भी थोड़ी देर बैठ रहता ही करनी चीज वे आपके जीवन को अनुभव बतावे। तो दादे सास के बल आगी बीनणी आची चिंता कर देख मैं बताऊं आप कुंकू पत्री तो लिखी थी अब एक छोटो पानो और लिख दे पास में नारायण देवर बोल बोकाई मनवार पत्रिका लिखावे के बोले मनवार पत्रिका नहीं एक मायने में जकी जकी चीजा बताऊं बे चीजा लिख दो मैं अति चीजा बताऊं ला और नीचे विशेष नोट में लिख दीजो के अति चीजा थाकन हुए तो मायरो लेर आइजो और नहीं तो आजो ही मत। जना बीरने के बल लगी सासू जी थामा तो दिमाग हटू आयो बोले तू तुम्हारे घर बैठे ही कोनी दिमाग तुम्हारे घर घणो ही है मारी तो कोई सुना ही नहीं। महाराज आज पूरो परिवार भेड़ो हो गयो सासू ननद दोराणी जीठाणी सब एक जगह बैठ गया और नारायणो देवर ने बुलाया कि देख नारायणा जो जो मैं सामान बोला
वो सामान तू लिख दे। अब नारायण जी आर बैठा और से परिवार का मिलर एक कागज अलग लिखा हुआ। अरे सासू ननद और दोरणी जिठाणी सब मिल बैठी आए गे। सासू ननद और दोरणी जिठाणी सब मिल बैठी आए गे। द्वात कलम कागद मंगवायो लेखक लियो बुलाए गे। द्वात कलम कागद मंगवायो लेखक लियो बुलाए गे। सवा पचीस मण लिखो सुपारी सवा पचीस मण रोरी जी। सवा पचीस मण लिखो सुपारी सवा पचीस मण रोरी। सवा पचीस मण लिखो कले वो और में बाकी बोरे जी। सवा पचीस मण लिखो कले वो और में बाकी बोरी। हजार दान में मोती लिख दो साल दुसाला और दोरानी जिठानी सब मिल बैठी आई के। द्वात कलम कागद मंगवायो लेखक लियो भुलाई के। कि सवा पचीस मण लिखो सुपारी सवा पचीस मण रोरी। नारायण के बल लगे के कोई दुकान थोड़ी खोलनी। अरे बोले तू मैं बोलू जी जी लिख दे। आपने ज्यादा किराना को सामान है तो किराना वाला बेच भी से बांट ले। बोले सवा पच्चीस मन रोली को काई करी। रोली को के आपके दिवाली आवे ये समय आप सफेदी नहीं करा रोली पोतलिया पूरा घर। महाराज नारायण तो लिखवा लाग्यो और दादे सास है वह पूरा सामान बतायो और लास्ट में बतायो कि कागज में तो भाटा ही लिख दीजिए। बोले भाटा तो ठे गणाई पड़े। बोले ए भाटा नहीं सोना का भाटा। सोना का भाटा। बोले सियाला का मान पग रगड़ो करो बैठे बैठे। श्री हरि भगवान की जय। महाराज तो सामान लिखा दियो और देखो पुराना जमाने का मायने गांव का मायने एक ब्राह्मण देवता रहता बान कोई पत्रिका देता कि माँ के ब्याह मंडे जाओ थे बान दे रह जाओ। तो भी जूनागढ़ का मायने एक कोकलिया जी महाराज हा और जितने ब्राह्मण देवता भी तो मनाई कर दियो मैं तो नहीं जाऊं बैठे बन ध्यानों के नरसिंह जी की बार का ही हालत। करोड़ों रुपया का मालिक है लेकिन आज वे कुछ भी नहीं है। तो और ब्राह्मण तो मना कर दियो लेकिन कोकलिया जी का एक ब्राह्मण बन ध्यान नहीं हो। बोले जब नरसिंह जी आपकी छोरी को ब्याह करो बी टाइम मैंने 5 सोना की मोहरा दी और बार माए राम तो कम कम 11 तो घर लाई। तो बी लालच में आर बोले मैं दिया सु श्रीरंग जी के करना आया और के बल आ गया श्रीरंग जी आप पत्रिका मैं दे रहा जाऊं। श्रीरंग जी पत्रिका कोकलिया जी दे दी। महाराज कोकलिया जी लेर नानी भाई करना आया। नानी भाई ने के बल आ गया नानी भाई थाने भी काई केड़ो है के बता दो। महाराज नानी भाई विचार करवा लगी काई बताऊं तो सामान तो लिखा दी।
महाराज नानी भाई दुखी होगी और विचार करवा लगी के कोकलिया जिनके बाल लगी के थे आप पत्रिका लेर जाओ तुम्हारे पिताजी ने कह दीजो को था के ना तो सामान हुए तो आई जो नहीं तो आज ही मत। नानी भाई ध्यान है कि हमारे पिताजी की आज आई स्थिति नहीं है जिकी हमारे ब्याह कमाने की। नानी भाई बोली थे तो लिखो ही अति राम जी नानी भाई बोली थे तो लिखो ही हारे तो ससुरारे घर आजोरी मती ओ मारे तो ससुरारे घर आजोरी मती हारी तो सासु जी ने माहिरारी पहले दिन ही पत्रकारियों कागद ले जाए। ब्राह्मण देवता पत्रिका ली साथ में बुजुर्ग को कागज दियो को कागज साथ में ले चालियो। पहले दिन तो जूनागढ़ को बाजार में ही पूरे दिन छिप गयो। यहां कहा कोकलिया जी की शरीर की पूरी हड्डी हड्डी दिखती। कोई डॉक्टर कहते ना अक्षरों करार ले रहा हो तो बाने अक्षरों करावा की जरूरत ही नहीं पूरी हड्डी हड्डी देख रही बता देता खड़े बीमारी। तो महाराज कोकलिया जी श्रीरंग जी के घर आऊं चालिया तो दिन भर चालिया ना बाजार बाजार पार करो। दूसरे दिन चालिया ना जूनागढ़ू बारे निकले। आ हालत कोकलिया जी महाराज भगवान कृपा करी और रात्रि में सोया जिया सुदामा जी ने द्वारका पुगाया भगवान और जिया ही कोकलिया जी ने जूनागढ़ पुगा दिया। अब जूनागढ़ में पूछ वाला गया भाई नरसिंह जी को घर कटे। अब नरसिंह जी तो पूरो गांव जानतो नरसिंह जी ने गए। जिया ही कोकलिया जी पूछा बोले ओ सीधो मार्ग जाई महाराज बांका घर के ऊपर में बड़ा बड़ा तिलक मांडेड़ा है। बांका घर पर राधे राधे लिखेड़ो है। देखो परम वैष्णव को घर जन ही मानी दे घर के ऊपर में भगवान को नाम लिखनो भगवान को तिलक लगानो शंख चक्र लगाना तो दूर लोग समझ जावे कि वो परम वैष्णव को घर है। और आजकल लोग काय लिखे कुत्ता हूं सावधान तो घर में सब कुत्ता ही रहे। महाराज इसलिए आपन घर में भगवान को घर बना रखना। कदे आपका घर नहीं है नहीं गणो मारो घर है। जो कोई के बल आ जाए कि आ बिल्डिंग मारी है वो बंगलो मारो है तो भगवान भी घर है कदे ही नहीं आओ। विदुर जी एक छोटी सी झोंपड़ी बना बेली बिग मान 12 वर्ष भजन की हो तो भगवान भी कुटिया कमाए नहीं आया। 12 वर्ष जो वैष्णव आपके घर में नित्य नियम से भजन करे पूजा करे माला फेरे तो भगवान भी भगत पर कृपा करे बे भवन नहीं देखे आपको। और जो कोई है कि ना आप बिल्डिंग मारी है वो बंगलो मारे है तो भगवान के ठीक है थारो तुम बैठो रहे मारो कहीं काम।
तो महाराज कोकलिया जी जी घरे जूनागढ़ में पूग्या, पूछ बल आ गया नरसिंह जी को घर कटे हैं, तो लोग के बल आ गया कि वो सीधो मारग जाई और कोकलिया जी कियो के नरसिंह जी के घर के ऊपर में मोटा मोटा तिलक मांडेड़ा है, समझ लीजिए वही नरसिंह जी को घर है। आमा सामा दरवाजा पर तिलक मांड्या राम जी, आमा सामा दरवाजा पर तिलक मांड्या, सूरज सामी बोल मेहता नरसी जी पांड्या, सूरज सामी बोल मेहता नरसी जी पांड्या, पांड्या जी तो जाए बोले माये ने धस्या राम जी, पांड्या जी तो जाए बोले माये ने धस्या, बैठोड़ा सा धूड़ा हड़ हड़ ही हंस्या, बैठोड़ा सा धूड़ा हड़ ही हंस्या, मान दास और ध्यान दास के मन में पांड्यो भायो जी, मान दास और ध्यान दास के मन में पांड्यो सामा दरवाजा पर तिलक मांड्या, सुरजी सामी पोल मेहता नरसिंह जी पांड्या। कोकलिया जी जी तिलक दे कर भी घर के मायने प्रवेश करियो, तो कोकलिया जी की धोती अड़ूजगी और धड़ामू नीचे गिर पड़िया। अब सूरदास जी बैठिया कि आज कोई बड़ो ही भगत आयो है जो दंडोत करतो करतो यार श्राद्ध चाले है, जो कोई निमंत्रण देबान आयो है। महाराज सब साधु हंसबा लागे, आज तो मोटो भगत आयो है, बड़ा घरां को नीतो आया है। नरसिंह जी खड़ा होर बन क्यों महाराज ते कहते ही भगत ती दंडोता करो, अरे दंडोता कहाँ की करो, बोले मैं तो धोती मूल जर पड़ गयो इया के महाराज आ था कि कुकू पत्री है अंजार नगर आयो हूं, पत्रिका लो और मन तो रोटी घालो कोई आटो सीधो देव। तो नरसिंह जी के बल आ गया महाराज ब्राह्मण देवता, दे बने ले बने जो श्री राम जी को नाम राम जी, दे बने ले बने जो श्री राम जी ने नाम, तुलसी जी की माला ले तुलसी जी ने माड़ा देवा सेवा सादेरा, रसोई ने ले जा बामन राम जी को नाम राम जी, रसोई ने ले जा बामन राम जी को नाम, तुलसी दल ले जा तने चावेड़ो कड़दाम, तुलसी दल ले जा तने चावेड़ो कड़दाम, महाका तो रसोई
जी ने लाज नरसिंह जी कहवा लग्या महाराज माखन रसोई नहीं है तामी तुमड़ा पड़या गांव में ले जाओ और जगह जगह मांग कर लिया हो आता बड़ी तो लिया जो और थे ही बना लियो और माने ही खुआ दे और थे ही खाई। अब कोकलिया जी देखवा लग्या कि श्रीरंग जी तो मारो मजाक कर ली अठे तो रोटियां का ही ठिकाना नहीं है। कोकलिया जी तो बेहोश और पड़ गया की जगह आ गया महाराज सुड़हा को बाको रहो मन में करे विचार श्री रंग की नीमस करी मोकलियो इन द्वार। महाराज कोकलिया जी तो बेहोश हो गया और जो पत्रिका ही नरसिंह जी पत्रिका देखी आपने दोईती को ब्याह मंडियो महाराज पत्रिका तो ले ली और विचार करवा लग गया हमारी स्थिति तो है नहीं है तो सामान लीजिए बाकी महाराज भी टाइम जार शालिग्राम जी की सेवा करता और शालिग्राम जी के ऊपर में पत्रिका छोड़ दी और केवल लग गया हे प्रभु मारी तो अति शक्ति है नहीं कि मैं अति चीजा दे सकूं ऊपर ही ऊपर थाको नाम है और आ पत्रिका के मायन काय काय सामान है वो था नहीं देनो मारकन काई नहीं। सगारा कागज आया छे जी सावले साये सगारा कागज पत्रिका चढ़ा दी और भगवान करुणा करी भगवान करुणा निधि आज नरसिंह जी की करुण पुकार सुनी भी टाइम भगवान महारास के मायने भगवान रास को आनंद ले रहा है और नरसिंह जी की करुणा भरी पुकार भगवान करुणा निधि बैंकुंठ के मायने सुनी है।
भी टाइम भगवान रास कमाए आनंद ले रहा है, वो प्रसंग बार आपको झांकी के रूप में दिखावा और फिर भगवान की कथा यही विश्राम कराला, क्यों 10 बजे बाद में साउंड अलाउ नहीं, इलेकाल 7 बजे बराबर टाइम पर आ जाओ तो 7 बजे कथा चालू हो जाएगी। आज थे लोग 8 बजा दी, इलेकाल थोड़ा जल्दी आओ तो कथा पूरी विस्तार रुके वहाँ। आज भगवान की कथा भगवान महाराज कर रहे हैं, बात दृश्य धन दिखावा। हो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन, मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन, मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन, मन मेरो बन गयो सकीरी पावन। पावन ओ आज मेरो मन भयो सकिरे पावन। राधा
टिकट बंसी वाले बोल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। टिकट बंसी वाले बोल के पंछी वाले को कुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट पंछी वाले को कुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नरसिंह जी की करुण पुकार भगवान वैकुंठनाथ सुनी और जय नरसिंह जी प्रार्थना करी भगवान भी समय विचार कर लियोगे। अब नरसिंह जी को मायरो अपनी लेर चालनो है तो आज भगवान की कथा अठे विराम करा। भगवान एक बार नरसिंह जी गांव के माने संत लोग आया 700 रुपया है जी आपा अब चेक फाड़ देवा ड्राफ्ट लगावा बी टाइम का है मायने हुंडी चालती गांव का मान जाने मानो सेठ हो तो वो लिख कर दे दे तो बा हुंडी चालती। तो देखो बार बार झांकी तैयार है, 2 मिनट थे भी दर्शन करो फिर आरती करा और आप यथास्थान जाए चो। तो भगवान की बा हुंडी काल सुनावा, काल झांकी का दर्शन कर लो और भगवान की प्रकारों नरसिंह जी हुंडी लिखे बा देखो। हमारी हुंडी स्वीकारो सावेरा गिरधारी, हमारी हुंडी स्वीकारो सावेरा गिरधारी, हमारी हुंडी करो स्वीकार सावेरा गिरधारी, हमारी हुंडी करो स्वीकार सावेरा गिरधारी, हमारी हुंडी करो स्वीकार सावेरा हरी हुंडी करो स्वीकार।
मने एक तारो आधार सावरा गिरधारी मने होटे करो स्वीकार सावरा गिरधारी श्री हरे भगवान की नरसिंह जी की हुंडी लेकर दी द्वारिका में संत लोग आर पूछ वाला गया ये सावल सेठ कटरे सब लोग केवल आ गया महाराज हट तो कोई सावल सेठ नहीं रहे संत लोग चारों तरफ घूम गया भाई ई मोहला में नहीं तो ई मोहला में रहता बोला दूसरा बाजार में गया बोले सावल सेठ हटे रेवे के बोले हट तो कोई सावल रेवे कोई और है महाराज सावल नाम को कोई सेठ ही नहीं हटे अब संत लोग विचार करवा लग गया कि महाका 700 रुपया नरसिंह जी को लिख कर दिया डूब क्या लगे थोड़ी देर में भगवान द्वारकाधीश खुद सांवल सेठ बने और संतांगन पास में आया और केवल आ गया अरे संतो खट जाओ तो संत केवल आ गया महाराज सांवल सेठ कौन है बोले सांवल सेठ तो मैं ही हूं महाराज सांवल सेठ को हुंडी लिए भगवान और केवल आ गए था 700 रुपया चलो मारे साथ मैं थान दे और थे नरसिंह जी ने जा रहा मत की जो के मान रुपया मिला नहीं मैं थोड़ो बारे गेड़ो हो मन माफ करा दीजो महाराज इस प्रकार संत क्यों ठीक है मगर रुपया डूबता डूबता बच गया रुपया दे दो माने अब देखो 700 रुपया ले लिया और संत लोग भगवान को कीर्तन करता करता वापिस जूनागढ़ आ जाए श्री हरि भगवान की जय आज की कथा अठे विराम करा और कल शाम का 7 बजे आप समय पर पधारो कथा को आनंद लो अबार आरती करो और अपने यथास्थान पधारो आरती के लिए यजमान लोग आगे आकर आरती करें बोले द्वारकाधीश भगवान की जय श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करे है कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करे कर जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के ओ सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गले में जंती माला साजे गले सारे और चाहे